मैं पांच तरह का चोखा दिखाने वाली हूँ, तो उसके लिए चलिए सब आलू मैं छील के रख लेती हूँ। देख लीजिए कितना क्वांटिटी में आपको बनाना है। तो मैं दो दो पर्सन के लिए यहाँ पर आलू में, यहाँ पर मेरे पास पांच प्लेट है, अलग अलग प्लेट में बनाऊंगी तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा रहेगा। तो चलिए, ये आलू का साइज काफ़ी बड़ा है तो एक पर्सन के लिए काफ़ी है। चलिए सबको इसमें थोड़ा सा और आधा आलू लगेगा। किसी में छोटा आलू है तो किसी में बड़ा आलू है। चलिए सबको हम मैश कर लेते हैं, काफी गर्म है। नमक डाल लेते हैं, ये स्वाद के अनुसार हम नमक डाल लिए। इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, इसमें पूरा से हम डालेंगे धनिया का पत्ता। इसको पहले अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, देखिए। और इसमें जाएगा कच्चा कड़वा तेल, हम लोग कड़वा तेल भी बोलते थे, अब सरसों के तेल भी बोलते हैं। ये चोखा का है ना, एकदम देसी स्वाद है। और चोखा को मैं हर रेसिपी में बोलती हूँ कि जितना आप हाथ से मिलाइएगा ना उतना ही स्वादिष्ट होगा। तो देखिए एकदम, अभी थोड़ा सा, अभी नया आलू है, ऐसे तो चोखा पुराना आलू का ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन नया आलू का चोखा बनाते हैं ना तो ये वाला चोखा ज़रूर बनाइए, डेली थाली में खाइए चोखा, बहुत स्वादिष्ट लगता है। बनकर के तैयार है, अब हम बना लेंगे दूसरा चोखा। तो देखिए इसमें नमक डाला हुआ है, और ये जो है ना ये देसी चोखा है। तो यहाँ पर देखिए हम चढ़ा दिए हैं छोटा वाला जो कलछुल होता है इसको, और इसमें हम डालेंगे मिर्च को, हम डाल देंगे मिर्च को एकदम अच्छी तरह से। इसमें हम, ये भी चोखा है ना बहुत, ये सारे, ये जो दो चोखा है ना इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर की हूँ। और चलिए अब जो है ना ये कड़कड़ाता तेल जो है आप इस पे डाल दें। अब तेल ज़्यादा है इसलिए इसको थोड़ा सा मैं कम कर लूँगी। ये गरम तेल वाला चोखा बहुत स्वादिष्ट लगता है। और ये जो है ना एकदम, इसको ऐसे तो नमक है ना, तो नमक के साथ एकदम इसको बारीक, अभी काफ़ी गर्म है, तो मिला लीजिए एकदम, चूर लीजिए तभी चोखा का स्वाद आएगा एकदम। तो नमक के और तेल के साथ थोड़ा सा तेल कम लगे तो ये जितना तेल छनक करके इसमें जाएगा ना उतना ही इसका स्वाद बढ़ेगा। तो चलिए ये हमारा दूसरा चोखा तैयार हो गया, इसमें कोई धनिया पत्ता हम नहीं डालेंगे, ये सिंपल एकदम अपना देसी है चोखा है, दाल भात वाला। कढ़ी में भी, कढ़ी में मैं जब बनाती हूँ तो चोखा ज़रूर बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे ये दूसरा चोखा बन करके तैयार है। चोखा को जितना हाथ से सानेंगे उतना ही स्वाद बनेगा। ये मेरा दूसरा चोखा बन करके तैयार है, इसको एक साइड में रखते हैं। अब ये तीसरा चोखा बनाने के लिए देखिए यहाँ पर हम डाले हैं तेल, इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर को बहुत गलाना नहीं है, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे धनिया का पत्ता। ये भी चोखा बहुत स्वादिष्ट लगता है। और थोड़ा सा डाल देंगे हरी मिर्च, और इसको जो है ना एकदम हल्का हल्का हम पका लेंगे। देखिए टमाटर थोड़ा सा गल गया है, तो ये आलू को भी हम डाल देंगे। ये चोखा में ना अपना अलग स्वाद है, थोड़ा सा बस टमाटर के साथ हम उलट पुलट देंगे, टमाटर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और चलिए ये हो गया, और इसको इसमें पलट लेते हैं। अब इसको भी हम सान करके देखिए सब आलू को इसमें मिला देंगे। टमाटर का थोड़ा सा ना क्रंचीनेस आना चाहिए चोखा में। और ये देखिए इसको भी, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तो इसको भी हाथ से मिला लेंगे। चलिए तो ये भी हमारा चोखा जो है ना एकदम चटकदार चोखा जो है तैयार हो गया है। ऊपर से चाहे तो थोड़ा सा और धनिया का पत्ता डाल दें।
तो चलिए ये हमारा तीसरा चोखा तैयार हो गया है। और ये जो चोखा है ना, तो ये भी इसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो ये मैं अक्सर बनाती हूँ। और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल नमक डाल दी हूँ, और इसमें जो है ना, और इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा डालेंगे, और ये भुना हुआ जीरा और सूखा मिर्च रोस्ट करके भून करके ये बनाई हूँ। और जिसको इस तरह का चोखा स्वाद लगता है ना, तो एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए भुना हुआ जीरा और सूखी लाल मिर्च को डाल करके, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए ये हमारा चौथा जो चोखा है तैयार हो गया है। तो आज घर में सबकी फरमाइश पे, और आपके आपका भी कमेंट्स आया था, और मुझे नाम याद नहीं है, कि चोखा की बहुत सारी रेसिपी आप शेयर कीजिए। तो चलिए ये भी हमारा चोखा तैयार हो गया। इसमें भी थोड़ा सा हम धनिया का पत्ता डाल देंगे, और इसमें हरी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें भुना हुआ मिर्च और जीरा है। सादा चोखा बना रही हूँ, ये चोखा ना मैं एक स्पेशल चावल बनाती हूँ लौकी के साथ, उसमें ये चोखा जरूर बनाती हूँ। इसमें कुछ नहीं, बस नमक है, एकदम सादा चोखा है। टेस्ट करके बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि पांच तरह का चोखा है, कैसा लग रहा है। पहले चोखा टेस्ट करके बताते हैं। सब चोखा टेस्ट करके बताइए। ठीक है, सब चोखा आज पांच तरह का बहुत ही स्वादिष्ट चोखा मैं बनाई हूँ। ठीक है, ये ठीक है, सभी चोखे बहुत अच्छे हैं। सबसे ज्यादा चोखा कौन अच्छा लगा? ये देखिए, तो ये वाला चोखा जो है ना, तो सबकी रेसिपी जो है ना, पूरी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। थोड़ा भाई दूज बनाइए, और अपने भाई के लिए भी ऐसा थाली बनाइए, खिलाइए, और सादा भोजन है, बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पर छठ की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, और भाई दूज की सबको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।